भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी, दोपहर तक गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी ये पूरी यात्रा। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। यूपी में 120 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी, जिसमें गाजियाबाद, बागपत और शामली से यात्रा गुजरेगी। ये सफर 5 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रा के पहले दिन समापन बागपत में होगा। बागपत में मावी कला गांव में रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन 4 जनवरी को यात्रा शामली पहुंचेगी और 5 जनवरी की शाम को हरियाणा में यात्रा प्रवेश करने जा रही है। तो आज से उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का आगाज हो चुका है और ऐसे में तैयारियां जिस तरीके से कांग्रेस में थी, और देखिए अपार जन समर्थन भी भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी और देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बात कांग्रेस के लिए, क्योंकि यूपी में कांग्रेस की जो यात्रा है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और देखिए जो काफिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जन समर्थन भी बखूबी मिल रहा है राहुल गांधी को और आज एक सभा को संबोधित करेंगे। और लेकिन 2 दिनों की अगर बात करें तो यूपी की राजनीति के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण 2 दिन रहेंगे बागपत और शामली में। राहुल गांधी 2 दिन बिताएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है और गाजियाबाद में दाखिल होगी। यूपी में 2 दिनों की यात्रा में राहुल गांधी 3 लोकसभा और 6 विधानसभाओं को साधेंगे। लगभग 120 किलोमीटर लंबा सफर शुरू हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज आप देखिए तस्वीरों में, जिस तरीके से पिछले चुनावों में जिस तरीके से कांग्रेस को अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई, वो जन समर्थन नहीं मिल पाया और 2024 के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि कांग्रेस तैयार कर रही है। और आप देखिए जिस तरीके से अपार जन समर्थन इस वक्त राहुल गांधी के साथ चल रहा है, ये उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें कांग्रेस के लिए। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वाति और लोकेश दोनों जुड़ चुके हैं। स्वाति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है और लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। रुक करेंगे हमारी सहयोगी स्वाति का। स्वाति, क्या तस्वीरें, तस्वीरों में दिख रहा है कि अपार जन समर्थन, बेहद उत्साहित होंगे कार्यकर्ता और ये जो यात्रा है जिस तरीके से गाजियाबाद में आएगी, 2 दिन तक राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की ये 2 शहरों में बिताएंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत सारी चीजों को साधा जाएगा यहाँ से कांग्रेस की तरफ से। स्वाति जी, बिल्कुल, देखिए अभी दिल्ली के सीलमपुर में यात्रा पहुंच चुकी है और लगातार यात्रा की शुरुआत कश्मीरी गेट से हुई थी। तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंचा हुआ है। दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है, क्योंकि चिट्ठी लिखी गई थी गृह मंत्रालय को और उसके बाद से आज जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर पुलिस देखने को मिल रही है उसकी तस्वीर भी अलग है। दूर दूर की तस्वीर आप देखें, आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे जो सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। सीलमपुर इस वक्त यात्रा पहुंच चुकी है और यहीं से होते हुए लोनी बॉर्डर पर पहुंचेगी और उसके बाद गाजियाबाद में प्रवेश यात्रा कर जाएगी। ये तस्वीरें आप इस वक्त सीलमपुर की देख पा रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश, स्वाति, इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जो इनविटेशन दिया विपक्षी नेताओं को, उसमें शामिल कोई नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव की तरफ से पत्र लिखकर जवाब दिया गया और ये तस्वीरें दिल्ली की है। चूंकि अलग अलग राज्यों से यात्रा पहुंची है दिल्ली, 24 दिसंबर को यात्रा दिल्ली पहुंची थी, उसके बाद लंबे ब्रेक के बाद आज यात्रा की शुरुआत फिर से दिल्ली में हुई है और दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश करेगी। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें निश्चित तौर पर स्वाति कांग्रेस के लिए उत्साह बढ़ाने वाली। आपके पास मैं वापस लौटूंगी, एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी लोकेश का। लोकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए गाजियाबाद से। लोकेश, दिल्ली से स्वाति तस्वीरें इस वक्त दिखा रही है, गाजियाबाद में भी पहुंचना है, 6 विधानसभा सीटों पर को वो साधेंगे और भी बहुत सारी तैयारियां। और अब देखिए ये जो तस्वीरें, जिस तरीके से अपार जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, बेहद उत्साहित होंगे कांग्रेसी इस वक्त इतनी भीड़ को देखकर। लोकेश,
बिल्कुल साथी, देखिए अगर ये जो अपार जन समूह के बाद इसी मंच पर योगा प्लान तो प्रदेश के जाएगा भारत जोड़ो यात्रा मंच पर तमाम सलमान खुर्शीद से लेकर कुमार तिवारी पूनिया नसीरुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेता बैठे हुए हैं। मंच पर 27 लोगों के बैठने की व्यवस्था की। सम्मानित साथी जो रोड पे खड़े हैं, रोड पे आपसे निवेदन है, पीछे से मुड़कर इधर क्या जाएंगे? ठीक है लोकेश, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। और स्वाति हमारे साथ मौजूद है, स्वाति पल पल की जानकारी दे रही। स्वाति, ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। स्वाति, क्या और तस्वीरें हैं, लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आप तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़कों पर जिस तरह से सीलमपुर में दिल्ली की जनता इकट्ठा हुई है राहुल गांधी को देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार अलग अलग राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार ये भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि सियासत भी भारत जोड़ो यात्रा पर खूब हुई। लेकिन मैंने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश के नजर से अगर हम देखते हैं तो बहुत अलग हो जाता है, सियासी मायने भी इसके बहुत है। क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में अभिनेता अभिनेत्री की बात करें या अलग अलग पार्टियों की बात करें, हम नेता शामिल हुए हैं अलग अलग राज्यों में, लेकिन जैसे ही यात्रा यूपी पहुंची वैसे ही सियासत शुरू हो गई है। क्योंकि खास तौर पर 2024 फोकस तमाम पार्टियों की है। अब कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां 24 पर देखती है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, ये दिलचस्प है। और जब राहुल गांधी की यात्रा गाजियाबाद पहुंचेगी और रात्रि विश्राम बागपत में होगा, उसके बाद 11 विधानसभा क्षेत्र है जहां उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी, तो सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये भी समझना होगा कि जब लगातार जिस तरह से विपक्षी एकता की बात कही जा रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, सब थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, ऐसे में जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच रही है तो जो इन्विटेशन अखिलेश यादव को दिया गया, मायावती को दिया गया, जयंत चौधरी को दिया गया, लेकिन जयंत चौधरी ने बताया कि वो शामिल नहीं होंगे, मायावती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, अखिलेश यादव ने पत्र लिखकर राहुल गांधी को जवाब दिया, तो ये भी समझना होगा। राजनीतिक दायरे से अगर देखते हैं तो एक अलग बात, लेकिन सीलमपुर आप देख पाएंगे दिल्ली की तस्वीर कि सीलमपुर जब यात्रा पहुंची है तो किस तरह से लोग, दिल्ली के जो लोग हैं वो देखिए। स्वाति, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठंड का दौर इतना ज्यादा शुरू हो चुका है और दिल्ली में तो कड़ाके वाली ठंड पड़ रही है इस वक्त, लेकिन कांग्रेसियों का हौसला पस्त नहीं नजर आ रहा है। बड़ी भीड़ दिख रही है इस यात्रा में, छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए उत्साहित कार्यकर्ता है, क्योंकि हम सब ने देखा कि कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा स्थिति देश में है उससे कैसे अलग तस्वीर 2024 में आए, ये भी प्रयास है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो इस यात्रा से उनकी जो छवि है वो बिल्कुल अलग हुई है। क्योंकि जिस तरह से वार पलटवार का दौर है उसमें राहुल गांधी जिस तरह से जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रहा है, और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में जब यात्रा पहुंच रही है। देखिए कड़ाके की ठंड में कांग्रेस के लिए बेहद उत्साहित करने वाली खबर जो है, अपार जन समर्थन कांग्रेस की इस यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ चल रहा है, लोग एक झलक पाने के लिए बेताब है राहुल गांधी की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े नेता यहां से गुजर रहे हैं, सलमान खुर्शीद जी साथ हैं। सर, आप लोग यूपी से दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, यात्रा कब से शुरू हो रही है? 12 बजे राहुल जी आ जाएंगे, यात्रा चल रही है, वो दिल्ली से आ रहे हैं, चलते हुए आ रहे हैं, यात्रा चल रही है। हम लोग यहाँ पर यात्रा में हम लोग ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर 12 बजे जब वो पहुँचेंगे हमको झंडा दिया जाएगा, ध्वज उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा, तब हम आगे और उनके चलेंगे। सर, और कौन कौन से बड़े नेता और डिग्निटरीज आप लोगों के साथ शामिल हो रहे हैं? लग रहा है कि आज फारूक अब्दुल्ला साहब आएंगे और जो अन्य नेता हैं, जैसे वो पहुंचते रहते हैं हम आपको बताते हैं। ये हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी थे जो कि इस भारत जोड़ो यात्रा के कोऑर्डिनेटर हैं, वो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं।
और तमाम अगर दूर तक देखें हम तो आगे से लेकर और इस तरफ पीछे की तरफ लगातार जो है भीड़ जो है कांग्रेस के पार्टी की वो जाती जा रही है। और इस वक्त अगर दूर तक निगाह देखें तो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 12 बजे दिल्ली और यूपी की सीमा पर ही इस जो यात्रा है इसकी रिले हैंडओवर की जाएगी और उत्तर प्रदेश में 125 किलोमीटर की यात्रा शुरू होगी। कैमरा पर्सन सानी के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ ही देर में दिल्ली से शुरू होने वाली है। इस यात्रा का जो यूपी में एंट्री है वो इसी जगह से होगी। यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के आगे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और ये दिल्ली के इलाके से जो लगातार अगर आप पोस्टर देखते जाएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। खासकर अलग अलग जगहों पर जो कार्यकर्ताओं की टोली है वो यहाँ पर कई दिनों से टिकी हुई है, पिछले 2 से 3 दिनों से, और यात्रा इसी। फिलहाल बढ़ते आगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि यूएई समेत तमाम देशों से